हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के दो बेमिसाल कलाकार सुजीत कुमार और लीला मिश्रा की जानकारी देते हैं। क्या आपको पता है कि दोनों की मौत कैसे हुई थी? दोनों का अंत बहुत ही बुरा हुआ था। दोस्तों, आपने राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म आराधना तो देखी होगी। उसमें मेरे सपनों की रानी वाले गीत पर राजेश खन्ना की जीप चलाने वाले एक्टर ही सुजीत कुमार थे। 60 और 70 के दशक में सुजीत कुमार की तूती बोला करती थी। खासकर राजेश खन्ना के साथ तो उनकी जोड़ी फिल्मी पर्दे पर हिट थी। बनारस में जन्मे सुजीत कुमार तो कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहते थे। वो तो वकालत की पढ़ाई किया करते थे। एक बार की बात है, सुजीत ने ऐसे ही एक नाटक में हिस्सा ले लिया। इत्तेफाक से वहां जज के रूप में मशहूर निर्माता निर्देशक फणी मजूमदार मौजूद थे। वो सुजीत से इतने इंप्रेस हो गए कि सीधा फिल्मों में आने का ऑफर दे दिया। सुजीत ने भी हाँ कर दी और उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया। सुजीत ऐसे एक्टर थे जो साइड रोल में भी हीरो पर भारी पड़ा करते थे। राजेश खन्ना के साथ तो उन्होंने 12 फिल्में की थी। इनमें आराधना, महबूब, हाथी मेरे साथी और अमर प्रेम जैसी फिल्मों से तो वो बॉलीवुड पर छा गए थे। सुजीत ने विलेन के रोल करके भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया था। उन्होंने बॉलीवुड के बाद भोजपुरी फिल्मों का रुख भी किया और यहाँ भी छा गए। लोग तो उनको भोजपुरी फिल्मों का पहला सुपरस्टार तक कहा करते हैं। कम ही लोगों को पता होगा कि सुजीत कुमार की फिल्में भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस, गुयाना, फिजी और सूरीनाम जैसे देशों में भी हिट हुआ करती थी। इतने सफल एक्टर का अंत बहुत बुरा हुआ। एक्टिंग करते करते ही इनकी तबीयत खराब रहने लगी। जब परेशानी ज्यादा बढ़ी तो साल 2007 में अस्पताल में चेकअप करवाया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। सुजीत को कैंसर की गंभीर बीमारी ने घेर लिया था और उनको खबर ही नहीं थी। इसके बाद उनकी असली जंग शुरू हुई कैंसर से। वो लगातार कैंसर से लड़ते रहे, दवाइयां चलती रही। इस दौरान उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। 3 साल तक कैंसर से चली जंग के बाद उन्होंने बीमारी से हार मान ली। साल 2010 में सुजीत कुमार ने दर्द से तड़पते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। अब आपको अभिनेत्री लीला मिश्रा के बारे में बताते हैं। शोले में बसंती की मौसी बनकर उन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि अमर हो गईं। हिंदी सिनेमा के पुराने दौर में उनकी अदाकारी बॉलीवुड फिल्मों में जान फूंक देती थी। यूपी के रायबरेली में पैदा हुई लीला अमीर घराने से थी, फिर भी अनपढ़ थी। उनके घर में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। सिर्फ 12 साल में ही उनकी शादी बनारस में हो गई थी और 17 साल में वो 2 बच्चों की मां तक बन गई थी। अभिनेत्री के फिल्मों में आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। लीला के पति रामप्रसाद जमींदार थे, लेकिन बॉम्बे में नाटकों में काम करने आते जाते रहते थे। थोड़े आजाद ख्याल के भी थे। इसी का फायदा लीला को भी मिला। रामप्रसाद के मित्र बंबई में काम करते थे। एक दिन वो रामप्रसाद से मिलने आए। इस दौरान उनकी नजर लीला पर पड़ी तो उनको फिल्मों में काम करने को कहा। पहले तो लीला के पति नहीं माने, लेकिन बाद में उन्होंने हाँ कर दी। बस यहीं से लीला मिश्रा का करियर शुरू हो गया। अगर आपको लगता है कि लीला को सिर्फ माँ, मौसी और नानी जैसे रोल ही मिलते थे तो ऐसा नहीं है। उनको लीड रोल भी मिले थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। असल में अभिनेत्री को किसी पराए मर्द का स्पर्श करना पसंद नहीं था। इसी वजह से सारी उम्र उन्होंने साइड रोल ही किए थे। फिल्म शोले की मौसी लीला मिश्रा का करियर 5 दशक तक चला। उन्होंने 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था। इनमें अनमोल घड़ी, आवारा, प्यासा, लाजवंती, शोले, पहेली, चश्मे बद्दूर और प्रेम रोग जैसी फिल्में शामिल हैं। लीला को एक्टिंग करते करते ही बहुत कम समय में दिल की गंभीर बीमारी हो गई थी। इसी बीमारी की वजह से वो काफी बीमार रहने लगी थी। समय गुजरने के साथ उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। इलाज के बाद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। आखिरी समय में एक्ट्रेस बहुत दिक्कत में जी रही थी। फिर हालत इतनी खराब हो गई कि साल 1988 में उनके दिल ने जवाब दे दिया। उनको इतना भयंकर दिल का दौरा पड़ा कि लीला मिश्रा को बचाया नहीं जा सका। 17 जनवरी 1988 के दिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपको इन कलाकारों की एक्टिंग कैसी लगती थी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।